फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, वॉइड किसे कहते हैं, ये सब नाम आपने पहले सुने होंगे या फिर किसी ना किसी चार्ट में देखे होंगे कि लोग बाग मार्क करते हैं अपने चार्ट्स में FVG, इम्बैलेंस और वॉइड। अब ये होता क्या है, ये कैसे हम इसे ट्रेड करते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा है बेसिक से लेकर। ये एक सिंगल वीडियो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगी, इसमें सारे आंसर आपके मिल जाएंगे, फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड सारे डाउट आपके इसमें खत्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर करा है। सो आई एम आकाश गर्ग, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर एंड फाउंडर ऑफ स्टेप ट्रेडर्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो एंड में पसंद आए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नाउ गो टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी की चार्ट में हम कैसे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्लॉट करते हैं। सो अब हम देखेंगे कैसे हम चार्ट में फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्लॉट करते हैं। बट उससे पहले हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, उसे हम कैसे बनाते हैं, एक्चुअली में होता क्या है वो। सो सबसे पहले हम एक कोई मार्केट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मार्केट एज लाइक गोज इन अप ट्रेंड एंड आफ्टर दैट एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। सो इस तरह का एक मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं जाता है ऊपर, ये ऐसे नीचे नहीं आता है, प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। सो जब भी ऐसा होएगा तो उसमें ऐसे हमें मूव्स दिखेंगे, कोई छोटा मूव होगा, कोई बड़ा मूव होगा, कोई कैंडल हमारी छोटी बनेगी, लेट्स से कि कोई कैंडल हमारी ऐसे बनी है छोटी और कोई कैंडल हमारी बड़ी बनेगी, या फिर कहीं पे हमारी कैंडल ही नहीं होगी, वो खाली एक विक्स ही रहेगी। जैसे अगर हम इस चार्ट में देखते हैं तो हमारी विक्स होएंगी, कैंडल हमारी बहुत छोटी होगी, या फिर इस तरह की छोटी कैंडल्स भी होंगी। तो फेयर वैल्यू गैप के लिए सबसे पहले होनी चाहिए बड़ी कैंडल, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप बनेगा। जैसे गैप नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके बीच में लेट मी ड्रॉ दिस विद दिस, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर गया, प्राइस एकदम से ऊपर गया, उसने नीचे रिट्रेस करा थोड़ा सा, उसके बाद में शूट अप एकदम से ऊपर गया। अब उसके ऊपर जाने के बाद में वो यहाँ पे आता है कहीं ना कहीं, बट तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, वो आएगा फेयर वैल्यू गैप में। अब जो कैंडल जितनी बड़ी होगी उस कैंडल पर वहां पे आने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जैसे अब हम चार्ट्स में देखते हैं और ये अपोजिट होगा बेयरिश ट्रेंड में, जैसे इसमें ऊपर एकदम से गया तो यहाँ से फिर वापस यहीं पे आएगा जहां पे बहुत लंबा पुश होगा, बहुत बड़ा पुश होगा, एग्जैक्टली इन बियर यहाँ पे इसे बहुत लेट मी ड्रॉ विद दिस, यहाँ पे इसे एकदम बहुत लंबा पुश मिला, ये बहुत बड़ा पुश है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ये बहुत छोटा है। सो प्राइस यहाँ पे आएगा जरूर, अभी नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद में आएगा, रेंज करता हुआ यहाँ पे आएगा, देन दोबारा नीचे जाएगा वो, और हो सकता है वहां से ऊपर भी जाए, जरूरी नहीं है कि वो नीचे आएगा ही आएगा। सो अभी हम इसे चार्ट्स में देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे सेम H1 चार्ट में देखना है, 15 मिनट्स में देखना है या H4 में देखना है, हम इसे किसी भी चार्ट में देख सकते हैं। प्लॉट करने का तरीका सेम है, बस इसमें डिफरेंस कैंडल्स का है। सो लेट्स सी दिस वन, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है, ये छोटी छोटी तीन चार कैंडल्स हुई, लेट मी जूम इन फॉर यू। हम यहाँ पे देखते हैं खाली इस एरिया में जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इसमें देखेंगे हम यहाँ पे प्राइस थोड़ा टाइम रेंज करा, ये H1 का चार्ट है तो 6-7 घंटे यहाँ पे रेंज हुआ, उसके बाद में एक लंबा पुश दिया प्राइस ने, बहुत एकदम से मार्केट सेलिंग गई, जितने भी मार्केट मेकर था उन्होंने एकदम से डंप कर दिया प्राइस को। अब डंप जब करा उन्होंने, लेट से एक रियल सिचुएशन हम यहाँ पे लेते हैं कि जितने भी बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब यहाँ पे रेंज कर रहे हैं काफी टाइम के लिए। अब उसके बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ से हैवी सेलिंग कर देंगे, लेट से कि ये प्राइस हमारा 100 रुपये है, टू मेक इट ईजी अब यहाँ पे 100 रुपये है ये, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, आई एम बैड इन ड्रॉइंग। सो 100 रुपये पे अभी प्राइस चल रहा है, उन्होंने सोचा कि हमें ये 70 रुपये पे ले आते हैं, सो डेट उन्होंने डंप कर दिया एकदम से। अब यहाँ पे उसका प्राइस कितना आ गया, ये लेट से कि यहाँ पे 70 हो गया, बट इसके बाद में उन्होंने सोचा कि अभी इसे हमें और नीचे लाना है, 70 से नीचे 50 पर भी लाना है। सो 70 पे वो नहीं सेल करेंगे, वो दोबारा 100 पर सेल करेंगे, जितना ऊपर वो सेल करेंगे उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा। लेट से कि कोई मार्केट अगर हमारा यहाँ से सेल होता है या फिर कोई हमारा यहाँ से सेल होता है, सो ऊपर वाले केस में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा इस वाले रेंज का भी, जो ये रेंज है इस रेंज का भी प्रॉफिट होगा अगर वो यहाँ से सेल करते हैं तो, बट अगर यहीं से कहीं से सेल करते हैं सो ये जितना भी प्रॉफिट है ये सब नहीं होगा,
जितने ऊपर से सेल कर सकते हैं वो उतने ज्यादा ट्राई करेंगे कि हम इतने ऊपर से सेल करें। अभी उन्होंने मान लो लेट्स से कि 100 लॉट्स यहाँ से सेल करे हैं, तो दोबारा यहाँ पर आएंगे उस 100 लॉट को दोबारा सेल करेंगे, सो डेट वो अब वो प्राइस 70 से नीचे 50 पे 40 पे किसी पे भी ला सके, लोअर देन 70। जब भी एक बहुत बड़ा ऐसा पुश मिलता है हमें, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप और वॉइड, कि एक गैप है इससे पहले वाली कैंडल में और इस बड़ी कैंडल के बाद वाली कैंडल में, ये जितना भी गैप है इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और हम इसे वॉइड भी बोल सकते हैं। वॉइड मतलब खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस जितनी होती है। अब ये एम्प्टी स्पेस है अभी टाइम बीइंग, यहाँ पर कोई भी और प्राइस नहीं है, यहाँ पे रेंज नहीं हुआ। अब हम इस केस को अगर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, यहीं पे ये वाली कैंडल ओपन हुई, इसी के आसपास क्लोज हो गई, इन सेकेंड कैंडल भी यहीं पर बनी, सो यहाँ पर कोई भी वॉइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसे फेयर वैल्यू गैप कोई भी नहीं बोलेंगे हम। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे हमारे पास बड़ा वॉइड है, यहाँ पे हमारे गैप है, तो इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, और ये गैप विक्स से विक तक का होता है, विक्स से विक तक का होता है। लेट मी मेक इट क्लियर, ये जो इसकी विक का लोवेस्ट पॉइंट है और इसकी नेक्स्ट कैंडल के विक का हाईएस्ट पॉइंट। इस बड़ी कैंडल से पहले जो स्मॉल कैंडल थी उससे लोअर वाला पॉइंट जो था उसे उसकी विक, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होएगा, आइदर विक और कैंडल, अगर कैंडल भी होती है तो भी। एंड सेम इन दिस केस, लोअर केस में भी, लोअर केस में जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होएगा आइदर वो प्राइस होएगा विक की फॉर्म में या फिर कैंडल की फॉर्म में, कैंडल की ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है या विक का भी ओपन क्लोज हो सकता है, जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट होएगा वो हम इसमें मार्क करेंगे। एंड सेम यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां से लेकर नेक्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट। सो दिस इज ए एग्जाम्पल फॉर सेलिंग। अभी हम सेलिंग का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी क्या होगा, प्राइस यहाँ पे आएगा इस रेंज के बाद में, ये हमारा एक वॉइड है। अब इसके बाद में वो लेट्स कंप्लीट दिस वन, अब यहाँ पे प्राइस कहीं भी आ सकता है, वो हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट, लेट मी ड्रॉ इट, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट ऐसा आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पे ऐसा आए, या हो सकता है ऐसा आए, वो ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, या बिल्कुल यहाँ से होकर फिर नीचे आए, वो कहीं भी जा सकता है वो। अब डिपेंड वो होगा कि वो वहां पर कहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, जो मैंने अपनी अलग वीडियोस में कवर करा है, और हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो, उस पर 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्लीज उस दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली देखेगा, तभी फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से यूज कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आया, थोड़ा सा इसने रेंज करा, नीचे गया, ऊपर आया इस लेवल तक, इसने यहाँ पे रेंज करा, लिक्विडिटी बनाई, इसने ये सारी यहाँ पे इस लेवल पे आया, प्राइस यहाँ पे आया, इसने लिक्विडिटी बनाई थोड़े टाइम तक, फिर एकदम से शूट अप ऊपर गया। अब ये जितना भी ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा दोबारा वॉइड है, दोबारा हमारा फेयर वैल्यू गैप है। कौन सा हमारा फेयर वैल्यू गैप है अब यहाँ पर? अब ये हमारा लॉन्ग कैंडल है, अगर हम चलो फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं कि हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, इस कैंडल से पहले याली कैंडल और नेक्स्ट कैंडल दोनों के लो और हाईएस्ट पॉइंट पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेट मी रिमूव दिस, इसका हाईएस्ट पॉइंट और नेक्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, बट दिस इज एग्जांपल ऑफ बुलिश। बुलिश पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम बियरिश के ही एग्जांपल देखते हैं। बियरिश का हम पे एक एग्जांपल ये भी है। अब यहाँ पे एकदम से हैवी डंप हुआ, अब हैवी डंप होने से पहले जो इसकी कैंडल थी याली कैंडल, इसका ये लोवेस्ट पॉइंट और नेक्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इसके और इसके बीच में हम बनाएंगे उसका फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे और यहाँ पे। हम लो एंड हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे, आइदर वो हमारे विक्स के फॉर्म में हो सकती है और वो हमारे कैंडल्स के फॉर्म में हो सकती है। जैसे यहां पे है, ये लो एंड हाई देखना, चाहे वो विक हो चाहे बॉडी के क्लोज या ओपनिंग कुछ भी हो, तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब यहां पर आने के बाद में प्राइस हमारा ऐसे भी कुछ हमारे दे सकता है, नीचे आ सकता है, यहां से और ऊपर जाके यहां से रिट्रेस हो सकता है। इसके चांसेस हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो वैलिड है वो। अब ऑर्डर ब्लॉक पे अगेन वो टॉपिक आ गया, ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा टॉपिक, कि यहाँ पे अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप दोनों चीजें हैं, तो
पहला ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया, दूसरा फेयर वैल्यू गैप, तो वहां बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटी है, उसमें हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर हम देख सकते हैं कहां पे हमें एंट्री लेनी है। क्या अब सारे फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं या कोई सा हमारा काम नहीं करता है, किसकी हाई प्रोबेबिलिटी किसकी लो प्रोबेबिलिटी है? सो फेयर वैल्यू गैप कभी ना कभी फील होते हैं, चाहे वो बिटकॉइन में हो, क्रिप्टो करेंसीज में हो, या फॉरेक्स पेयर्स में हो, बट डिपेंड ये है कि कब कौन सा वॉइड फिल होता है। जरूरी नहीं कि ये वॉइड अभी यहाँ पे फिल हो जाए, और हो सकता है कि एक घंटे में हो जाए, हो सकता है ये एक महीने बाद भी ना हो। सो कभी ना कभी जब होगा उस टाइम पे हम लोअर टाइम फ्रेम में आकर देखेंगे उस टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड इफ यू सी कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश था इस वाले फेयर वैल्यू गैप से पहले, इस वाले वॉइड से पहले मार्केट पूरा बुलिश था, इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया और मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उस पर भी एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के फॉरेक्स के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच आउट ऑल दी वीडियोज इन माई प्लेलिस्ट, चैनल पर जाकर देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फॉरेक्स वीडियोस रिगार्डिंग, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब ये तो हो गई सेलिंग की बात, अब आते हैं हम बाइंग पे। बाइंग पे लिक्विडिटी कहां पे होती है और फेयर वैल्यू गैप हम बाइंग पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं? सो सेम होगा, बस अपोजिट हो जाएगा उसका कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली, यहां पे हमें यहीं पे पास में एक अच्छा सा एग्जांपल मिल गया है, और हम अभी सारे एग्जांपल्स H1 में देख रहे हैं, इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम में या डिफरेंट पेयर में भी देखेंगे, बट लेट्स कवर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अभी हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, मार्केट मेकर्स ने, बिग बैंक्स ने यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लॉट्स बाय करे हैं, आइदर 100 लॉट और मोर देन दैट। अब इससे पहले की जो कैंडल है उसका हाइएस्ट पॉइंट ये है, इसके बाद की जो कैंडल है उसका लोवेस्ट पॉइंट ये है। अब यहाँ के यहाँ और इसके बीच में कोई भी प्राइस नहीं है, ये एक वॉइड है, ये एक गैप है, इसके बाद में और इससे पहले, यहाँ पे हम इसे गैप कहेंगे, जो भी ये स्पेस है पूरी ये एक गैप है, जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता ये फेयर वैल्यू गैप हमारा वैलिड है और हम इसे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। बट यहाँ पर एक लॉन्ग डाउन पुश ने एक बार फेयर वैल्यू गैप नीचे दे दिया है, फिल कर दिया है, उसके बाद में वैलिड नहीं होगा। एक फेयर वैल्यू गैप एक ही बार वैलिड होता है, उसके बाद में वो इतना वैलिड नहीं होता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी उसमें नहीं होती है। सो ये हो गया हमारे बाइंग का फेयर वैल्यू गैप, कॉन्सेप्ट सेम है बस डिफरेंस अपोजिट हो गया। इसमें भी हम ये देखते थे जो प्रीवियस कैंडल है उसका लोवेस्ट पॉइंट एंड देन नेक्स्ट कैंडल का हाइएस्ट पॉइंट, जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें प्रीवियस का लोवेस्ट, इसमें प्रीवियस का हाइएस्ट पॉइंट देखेंगे और नेक्स्ट कैंडल का इसमें हाइएस्ट पॉइंट देखना है, और इसमें नेक्स्ट कैंडल का इसमें हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे और इसमें हम लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे। सो अपोजिट हो गया कॉन्सेप्ट, जस्ट सेम है। सो ऐसे ही हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, और जरूरी नहीं कि सारे फेयर वैल्यू गैप काम करें, कुछ इनवैलिड भी हो सकते हैं, वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अगर कि ये वॉइड था बट इसने प्राइस ने उसे रेस्पेक्ट नहीं करा, उसके नीचे आके एकदम से वो फिल कर दिया है। सो इस तरह भी होता है, वो हमें देखना होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे काम कर रहा है वो। सो लेट्स टेक डिफरेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक बाइंग का एग्जाम्पल था, अब हम उसे देखते हैं। क्या इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है? सबसे पहले हम देखेंगे इस कैंडल से जो पहले है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोवेस्ट पॉइंट ये है नेक्स्ट कैंडल का, उससे प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट एंड उससे नेक्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब इस पे देखते हैं हम, क्या इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है? इससे पहले वाली जो कैंडल थी उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये हो गया और लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया, इसमें भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एक ही लेवल पर प्राइस दो तीन बार आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप में सेम लेवल पर प्राइस एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। इसमें हमने देखा, लेट सपोज कि एक हमारा ये लेवल है, अब इस लेवल पे पहले प्राइस यहाँ पे आया, फिर इस कैंडल पर आया, फिर इस विक पर आया। सो एक ही लेवल पर दो तीन बार प्राइस आ गया, और जब भी ऐसा होता है वहां पे फेयर वैल्यू गैप हमारा वैलिड नहीं होता है, वो वहां पे फेयर वैल्यू गैप होता ही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इस कैंडल पे, इस जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट, और जो इससे हमारी नेक्स्ट वाली कैंडल है उस नेक्स्ट कैंडल में उसका लोवेस्ट पॉइंट ये है। सो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो पोर्शन हम है इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, और फेयर वैल्यू गैप जितना बड़ा होता है उतना अच्छा होता है, जितना स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल होती है उतना
अच्छा वो काम करता है, उतनी अच्छी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है. मेक श्योर यू मार्क अप दीज पॉइंट्स इन नोट्स और यू कैन जस्ट राइट इट एनी वे सो दैट यू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग. जब भी चार्ट्स में देखते हैं सारे पॉइंट्स हमें याद नहीं रह पाते हैं, हम कुछ मिस कर देते हैं. सो टू अवॉइड दैट प्लीज मार्क आउट दीज पॉइंट्स और नोट डाउन समवेयर, बिकॉज ये वीडियो में सब कुछ फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड मैं दे रहा हूँ, जो एक सफिशियंट होगी वीडियो आपके लिए. इसके बाद कोई भी फेयर वैल्यू गैप पर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कुछ भी देखने के लिए. और इंडिया में दो ब्रोकर हैं जो अभी अच्छे काम कर रहे हैं फॉरेक्स के लिए, जो इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट एंड विड्रॉल अच्छा देते हैं इजीली टाइम पे, ऑक्टा एफएक्स एंड एक्सएनएक्स. उन दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं. और इससे अलग भी मेरे कुछ ब्रोकर से बात चल रही है, मैं उन्हें टेस्ट कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम से. लेट्स सी कि अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, उनकी सारी सर्विस स्मूथली काम करती हैं, देन मैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आने वाली वीडियोज में, अगर वो अच्छे से काम करते हैं तो. बट ये दोनों ब्रोकर अच्छे हैं, ऑक्टा एफएक्स एंड एक्सएनएक्स, आप इन्हें चेक कर सकते हैं. लिंक इन्हें ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे रखा है. अब जो ये हमारा स्मॉलर गैप है, जो ये छोटा सा गैप है, ये हमारा H1 में है, तो H1 में इस गैप की कोई इतनी वैल्यू नहीं है. बट अगर ये गैप हमारा डेली में या H4 में होता तो वहां पर बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती. वो अब अगर यही गैप हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता M1 में या M5 में, तो वहां पर भी इसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक पिप्स में या फिर 1.5 या 2 पिप्स का डिफरेंस कभी कभार आ जाता है सेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम पे, हाई वॉलेट टेलिटी न्यूज के टाइम पे, जो डिफरेंट ब्रोकर्स में कई बार होता है. सो अगर एक पिप का या डेढ़ पिप का कोई डिफरेंस है M1 में या M3 में, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो फेयर वैल्यू कैप इतना ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा. अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट कैंडल पर. इस कैंडल से पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट था ये है, इस कैंडल के बाद जो लोवेस्ट पॉइंट है ये है. यहाँ पर भी एक ही लेवल पर प्राइस तीन बार आ रहा है, पहले इस कैंडल पर, दूसरा इस कैंडल पर, थर्ड इस कैंडल पर. तो यहाँ पर भी कोई वर्ड नहीं है मार्क. वॉइड जो है हमारा यहाँ पर है, क्यों है? इस कैंडल से पहले जो हाईएस्ट पॉइंट था ये है, इस कैंडल के बाद में जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है. सो ये जो जितना भी हमारा ये गैप है, ये हमारा वॉइड है. यहाँ पर प्राइस एक ही बार आया है, यहाँ पर और कोई प्राइस नहीं है, ये हमारा वॉइड है. अब इस लेवल पे प्राइस आ सकता है यहाँ पर जाने के बाद. और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ के जाने के बाद यहाँ पे ऐसा भी दे सकता है, ये ऐसा भी दे सकता है, ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं. इन सेम इसने ऐसा करा, यहां तक आया और यहीं से रिवर्स कर गया, पूरा नहीं आया, इसने पूरा वॉइड फिल नहीं करा. जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे वो कंफर्मेशंस. सो मेक श्योर यू वॉच आउट दीज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं, एक एक पॉइंट जितना हो सकता है फेयर वैल्यू गैप्स रिगार्डिंग. सो इस तरह ये ऐसा बाइंग में है, जब वो हाफ भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है. एंड लेट सी सम एग्जाम्पल्स फॉर सेलिंग. सेलिंग का हम यहाँ पर देखते हैं, एक और जो हमने एग्जांपल देखा है ये, इसने लॉन्ग विक में आकर दे दिया. तो अभी जो इनिशियली हम पे वॉइड था, इनिशियली हम पे ये वॉइड था, ये वॉइड क्यों था? इससे पहले ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है एंड ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये वॉइड है. ये अभी खाली स्पेस है, यहाँ पे मार्केट आना चाहिए दोबारा. मार्केट यहाँ तक आया, इसने यहाँ तक वॉइड फिल कर दिया, बट वॉट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद भी यहाँ पे हम पे ये वॉइड है, ये खाली स्पेस है, यहाँ पे प्राइस अभी दोबारा नहीं आया है, तो आने के चांसेस हैं अभी. बट हाँ, इतना अच्छा है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि मार्केट मेकर्स को अगर एक बार आना होता, बैंक्स को अगर यहाँ पे आना होता, तो वो एक बारी में आते, वो इतनी लिक्विडिटी, इतना प्राइस नहीं छोड़ते. माइट भी उसके ऊपर लिक्विडिटी ज्यादा नहीं हो, इसलिए वो नहीं आए हैं. सो दिस इज द रीजन कि वो यहाँ पर यहाँ तक आए हैं और यहीं से भी रिवर्स कर गए हैं. सो इसलिए अभी लो प्रोबेबिलिटी है, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे. हम फोकस करेंगे अगर यहाँ पे एक बार भी नहीं आया होता. So let's take some different examples. Now let's move to some different pair. हम इस Euro USD में काफी चीज देख चुके हैं. अब move drawings and Euro JPY and let's go to smaller time frame of 15 minutes. Yeah, let's go to higher time frame H1 and then we will show कि कैसे हम उसमें smaller time frame में देख सकते हैं अपने entries. इसमें भी हम देखेंगे एक यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग है, एक बहुत बड़ा सेलिंग है. जितना बड़ा बाइंग एंड सेलिंग होती है, उतनी अच्छी फेयर वैल्यू गैप होता है, उतना अच्छा वो रेस्पेक्ट करता है. यहाँ पे हम देखेंगे इसे ऑलमोस्ट, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है. यहाँ पे अगर हम इसे हम नाम भी लिखते हैं यहाँ पर, सो फेयर वैल्यू गैप FVG और वॉइड और इम्बेलेंस, तीनों के मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है. कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं, कुछ वॉइड एंड कुछ इम्बैलेंस. अगर हम इनका मीनिंग देखें, सो
फेयर वैल्यू गैप, गैप से समझ आता है इसमें गैप है प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल में, हमें नाम से समझ आ रहा है। वॉइड मतलब खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, इससे पहले भी कुछ नहीं है उसके बाद में भी कुछ नहीं है, सो यहाँ पे पूरा एम्प्टी है, प्राइस एक बार ही आया है। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होता है जब प्राइस बहुत ज्यादा एकदम से हैवी बाइंग हो, हैवी सेलिंग हो, उसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं, मतलब बैलेंस नहीं है कि, या तो बैलेंस किसे बोलते हैं जब बाइंग एंड सेलिंग दोनों हमारी सेम हो, बराबर हो, बट इम्बैलेंस कि या तो एक तरफ बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, उसे हम इम्बैलेंस बोलेंगे, तो इसलिए हम इसे इम्बैलेंस ही बोलते हैं। अभी हमारा काफी अच्छा इम्बैलेंस है, इससे पहले हम इसे देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, हम इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी मार्क कर सकते हैं कि लेट्स कीप एन आई कि हम यहाँ पे रखेंगे, प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ पे रेंज कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर कुछ रेंज करेगा, दोबारा फिर ऊपर जाएगा, जब भी यहाँ पे आएगा वो दोबारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, हमें पता है इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, तो हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके अपनी एंट्री देख सकते हैं जब भी यहाँ पे आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस अगेन हाफ आया यहाँ से एंड दोबारा यहाँ से रिट्रेस हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सी, अब ये हमारा हाफ इसने ट्रेड कर दिया, हाफ वॉइड इसने फिल कर दिया, सो इसके बाद ये लॉ प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके बाद इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। सो यू कैन सी दिस कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट पहले बताया था वो यहाँ पे ऐसी हमें ट्रेड मिल भी गई, कंफर्म हो गया कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया, क्योंकि आधा वॉइड भर गया, या तो ये कुछ भी नहीं भरता या पूरा भरता, लेकिन अगर आधा भर गया है, थोड़ा सा मार्केट वहां पे आ गया, तो वो अब हमारा इनवैलिड है। एंड सेम हेयर विथ सेलिंग एग्जाम्पल, सेलिंग पे भी यहाँ पे हम पे इनबैलेंस है, ये यहाँ पे हम देखेंगे गाइस कोई भी विक नहीं है, बहुत नेग्लिजेबल विक है, तो यहाँ पे हम खाली लो पॉइंट देखते हैं, चाहे वो ओपन हो, क्लोज हो या विक हो, कुछ भी हो, जस्ट फोकस ऑन लो एंड हाई। ये हमारे इसमें वाइड है, नेक्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, प्रीवियस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, अब यहाँ पे वाइड है, हम देखेंगे इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इतना नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है, सो इतने कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सारे वाइड्स पे हम पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलते हैं, बट यस हम इस विक को ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा वो। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मार्केट नीचे आ रहा है एकदम से एंड यहां से रिकवरी ले रहा है, यहां से दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ है, और ये शुरू कहां से हुआ है ऊपर जाना, यहां से शुरू हुआ है, यहां पे हम पे ये इम्बैलेंस दिया है, यहां पे इसने बॉटम बनाया, बॉटम के बाद में रिवर्सल हो गया, सो ये हमारा यहां पे वॉइड है, वी कैन से वॉइड और फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस, एनीथिंग यू कैन से, नाम डिफरेंस है, चीजें सेम है, ये हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस है, क्यों, इससे लोवेस्ट पॉइंट, इससे पहले वाली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, यस इसे एक नाम और भी बोलते हैं हम, इनएफिशिएंसी, आई फॉरगेट टू मेंशन, इसे हम इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और वॉइड, इसे हम इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ये चारों में से हम कुछ भी नाम से बोल सकते हैं, चीज सेम है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे हम इसे मार्क करेंगे, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, कि यहाँ से एक तो मार्केट ने रिवर्स लिया है, हम पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, सेकंड कंफर्मेशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, एंड थर्ड इज हमारे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, सो बहुत अच्छी हमारी कंफर्मेशन है, अगर प्राइस हमारा यहाँ पे कभी आता है इन फ्यूचर तो हम वहां पर अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं, बट रिमेंबर कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम अपनी एंट्री नहीं लेंगे, M3 में, M5 में और M15 में, वॉट एवर द टाइम फ्रेम यू यूज, उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री जाकर देखेंगे, जब उसमें रिवर्सल मिलेगा, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा और CHOCH चौक मिलेगा, तो उसमें हम वहां पर वो एंट्री लेंगे CHOCH के बाद, और CHOCH को हम कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर जाकर भी दे सकते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोज पहले बना रखी है फॉरेक्स से रिलेटेड, सो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर स्क्रॉल करेंगे तो सारी वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएंगे, एंड क्रिप्टो करेंसीज की भी मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूं बिटकॉइन के बारे में, कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि वो 20,000 ब्रेक करेगा और उसने वो कर दिया है, सो अगर क्रिप्टो से भी अपडेट रहना है तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड इम्बैलेंस, वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, नाम डिफरेंट है, चीजें सेम है, पेयर कोई सा भी हो, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, चीजें सेम है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, जस्ट कॉन्सेप्ट अपोजिट है, बाकी सब चीज सेम है, और
एफिशिएंसी को फेयर वैल्यू गैप को हमें कैसे अच्छे से ट्रेड करना है, एंड अगेन उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो प्लीज जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से पूरा समझ आ पाएगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ भी इश्यू हो तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं वहां पर भी आपको कुछ रिप्लाई कर सकता हूँ अगर वहां पर कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।